बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन चिली। ये जो है उसके लिए जो इंग्रेडिएंट्स आपको चाहिए वो नोट कर लीजिए। ये थोड़ा सा चाइनीज बेस है लेकिन हम इसको थोड़ा सा स्पाइसी बनाएंगे क्योंकि हम लोग को स्पाइसी पसंद है। तो चले हम अपना प्रोसेस शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम चिकन को चिकन काटेंगे। जूलियन कट हमें इसको काटना है। तो आपने ये करना है, ये देखिए चिकन जो ब्रेस्ट होता है इसमें ये पीस एक अलग से होता है, इसको आप अलग कर लीजिए और आपने इसको इस तरह से लंबा लंबा काटना है। ऐसे जो बहुत लंबा होगा उसको हम फिर थोड़ा सा अपने हिसाब से बीच में से आधा कर देंगे। ये इस तरह से कटेगा क्योंकि ये जब आप बनाएंगे तो आप देखिएगा कि ये एक तो खूबसूरत भी बड़ा लगता है। जैसे अब ये बहुत लंबा है तो इसको मैं बीच में से हाफ कर दूंगा ताकि ये इतना हो। जैसे ये बहुत लंबा है इसको भी मैं बीच से इस तरह से हाफ कर दूंगा। तो आपने इसको इतना ये साइज रखना है और इतना पतला रखना है। चिकन जो है वो हमारी हम काट चुके हैं तो मैंने कहा जब तक मैं आपको इसका भी दिखा दूं। शिमला मिर्च आपने किस तरह से काटनी, ये आपने पहले इसको इस तरह से दो टुकड़े करने, फिर आप इसको भी बीच से टुकड़े कर ऐसे टुकड़ा कर लें। ये जो एरिया है ऊपर का इसको आप निकाल लीजिए इस तरह से काट के, जिसमें इसका बीज होता है ये हमने निकाल लिया। और फिर इसको भी हम जूलियन कट करेंगे, इसको भी हमने बहुत पतली पतली और ऐसे लंबी लंबी काटनी है इस तरह से। ये सिर्फ मैं आपको दिखाने के लिए अभी कर रहा हूं। अब ये जैसे हरी मिर्चें हैं तो हरी मिर्च आपने कर्व में काटनी है ऐसे, इसको हम लंबा लंबा नहीं काटते हैं क्योंकि फिर ये बहुत सख्त हो जाती है, तो इनको हम इस तरह से कर्व करके काटेंगे। स्प्रिंग अनियन जो नॉर्मली कटता है वो हमने उसी तरह से काटना है कि पहले आपने इसकी जो है वो ये अलग कर देनी है। और जैसे इसको हमने कर्व करके काटा है इसको भी हम इस तरह से कर्व करके काटेंगे ऐसे, तो ये इससे बड़ा खूबसूरत सा एक इसका लुक आता है। अब मैंने जो है वो एक ये बर्तन चढ़ा दिया और इसके अंदर तकरीबन 2 टेबलस्पून जो है ऑयल डाला। तो ऑयल जैसे ही हमारा थोड़ा सा गर्म होगा तो हम इसमें ये जो कुटा हुआ लहसुन है ये डाल देंगे। इसको हमने थोड़ा सा फ्राई करना है, ब्राउन करना है। रमजानों में भी जरूर बनाइए क्योंकि ये बहुत अच्छा रहता है। अब ये जो हमने चिकन जूलियन कट काट के रखी थी ये अब हम इसमें शामिल कर देंगे क्योंकि लहसुन जो है वो तकरीबन हो चुका है। चिकन को हमने अच्छा सा फ्राई करना है। अब मुझे ये चिकन तलते हुए तकरीबन 5 मिनट हो गए तो आप देखें चिकन में थोड़े से ब्राउन स्पॉट्स आना शुरू हुए हैं। इसका मतलब है कि इनका कच्चापन जो है वो बहुत हद तक ख़त्म हो गया है, पानी ये पूरा छोड़ चुकी हैं, बल्कि इनका पानी जो है वो खुश्क होने की तरफ है। तो अब इस वक्त जो है हम इसके अंदर शिमला मिर्च, जो ये हमने जूलियन कट काटी थी शिमला मिर्च वो, और ये हरी मिर्च, ये दोनों अब हम इसमें इसी वक्त डाल देंगे। मसाले अभी हमने इसमें कोई नहीं डाले हैं, वो सारी चीज़ें बाद में डलती हैं, पहले हमने इनको थोड़ा सा तलना होता है ताकि इसका शिमला मिर्च का हरी मिर्च का फ्लेवर जो है वो चिकन के अंदर आ जाए, इसलिए पहले ये चीज़ें डालते हैं। अच्छा, अब शिमला मिर्च जो है वो भी अपना पानी थोड़ा सा रिलीज करेगी तो, और वैसे भी इसके अंदर आखिर में हमें थोड़ा सा पानी 1 गिलास 2 गिलास हम डालेंगे क्योंकि हम जो चिकन चिली बना रहे हैं वो हम थोड़ा सा ग्रेवी वाला बना रहे हैं ताकि जो है वो जब हम चावलों के साथ इसको सर्व करें तो खाने में हमें आसानी हो, क्योंकि ये ड्राई भी बनता है लेकिन हम इसको ड्राई नहीं बना रहे, हम इसको थोड़ा सा चावलों वाला बना रहे हैं। तो ये मैंने अब इसमें देखें शिमला मिर्च और ये डाल दी। अच्छा, चूल्हा जो है वो मुस्तकिल मेरा हाई पर है क्योंकि ये चीज़ें नॉर्मली जो है वो हाई पर पकती हैं, तो चूल्हा मैंने हाई रखा हुआ है। अब देखें दोबारा इसमें इतना पानी आ गया, अभी इसमें थोड़ा सा पानी और आएगा, जैसे जैसे ये शिमला मिर्च पकेगी इसमें पानी थोड़ा सा और आएगा। ये हमने डाल दिया, इसको बस हम 5 मिनट पकाएंगे और फिर इसके अंदर मसाले ऐड करना शुरू करेंगे और आपको दिखाते जाएंगे। अब इसको भी देखें मुझे फ्राई करते हुए तकरीबन 5 मिनट हो चुके हैं, अब मैं इसमें चीज़ें ऐड करना शुरू करूँगा। तो सबसे पहले मैंने डाला ये चीनी, कुटी हुई लाल मिर्च, सफेद मिर्च किसी भी,
काली मिर्च, सोया सॉस, सोया सॉस में थोड़ा सा ज़्यादा जाता है, हॉट सॉस, नमक और ये कनौर क्यूब जो मैंने आपको बताई थी वो, ये सब डाल के अब हम इसको जो है वो 5 मिनट भूनेंगे और फिर इसके अंदर हम पानी डाल के और कॉर्नफ्लोर डाल देंगे। तो समझे फिर आपकी चिकन चिली जो है वो रेडी है। ये इसी तरह से बहुत क्विक बन जाती है, बहुत जल्दी बनती है ये। आपके पास अगर चीज़ें सारी कटी हुई हो रेडी हो तो ये बड़ी आसानी होती है। तो इसको बस मैं 5 मिनट पकाता हूँ और फिर आपको दिखाता हूँ। अब ये देख रहे हैं आप, इसका पानी बिल्कुल ड्राई हो गया है, ये देखें तेल अलग हो गया है। तो अब इस मौके पे हम इसके अंदर पानी ऐड करेंगे, क्योंकि हम ग्रेवी वाला बना रहे हैं तो पानी आपने इसके अंदर इतना रखना है जितना आपको ग्रेवी की ज़रूरत है। तो मैं इतना पानी इसमें रखूँगा क्योंकि मुझे इतना पानी चाहिए। ये देखें इसके अंदर मैंने अभी इतना पानी शामिल किया क्योंकि हम लोग को थोड़ा सा ग्रेवी वाला ज़्यादा पसंद आता है। वैसे वो बिल्कुल रेडी था जो मैंने आपको अभी दिखाया था, जब उसका तेल अलग हो गया था, तो आप उसको उस मौके पे भी सर्व कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि हम ग्रेवी वाला बना रहे हैं तो हम इसको इतना पानी इसके अंदर रखेंगे। अब मैं इसको थोड़ी देर पकने दूंगा और जब इसके अंदर अच्छा सा उबाल आ जाएगा तो फिर मैं इसके अंदर कॉर्नफ्लोर शामिल करूंगा और फिर आपको उस वक्त दिखाऊंगा। अब इसमें देखें ये उबाल आ चुका है, पानी इसका बिल्कुल बॉयल हो चुका है। अच्छा होता है थोड़ा सा हम ढक के रखते हैं तो उससे ये होता है कि चिकन में भी अच्छी सी एक गलावट आ जाती है। तो ये मैं इसको एक दफ़े में चला के देख लेता हूँ। ये देखें इसकी शक्ल कितनी खूबसूरत आई है। तो अब हम इसके अंदर जो हमने कॉर्नफ्लोर रखा था वो मैंने ये थोड़े से पानी में इसको इस तरह से घोल लिया जो कॉर्नफ्लोर था, और मैं उसको इसके अंदर शामिल करूंगा ताकि, और अपने हिसाब से आपने ग्रेवी रखनी है कितनी थिक रखनी है कितनी पतली रखनी है वो आपके टेस्ट पर डिपेंड करता है कि आपको किस तरह का टेस्ट पसंद है। कुछ लोगों को बहुत गाढ़ा पसंद होता है, कुछ लोगों को थोड़ा पतला पसंद होता है। और एक चीज़ मैं और आपको बताऊं कि आप इसको टेस्ट कीजिएगा, अगर आपको लगे कि इसके अंदर जो है वो थोड़ा सा चिकन का फ्लेवर कम लग रहा है, वैसे होना नहीं चाहिए क्योंकि हमने बोनलेस चिकन डाली है तो उसका अपना फ्लेवर भी इसमें बहुत आया है, तो आप इसके अंदर फिर वो भी शामिल कर सकते हैं, कनौर क्यूब थोड़ी सी एक और डाल सकते हैं। लेकिन जो मैंने हिसाब बताया है वो बिल्कुल सही हिसाब है, तो वो आपकी मर्जी है कि आप उसमें और कितना शामिल करना चाहते हैं। ये अब हमारा जो है वो देखें इसका इतना टेक्सचर जो है वो ऐसा हुआ है, इसका ऐसे ही होना चाहिए, ये देखें इतना ही होना चाहिए। तो ये हमारा चिकन चिली जो है वो बिल्कुल रेडी है। इसमें अब मैं ऊपर से स्प्रिंग अनियन डाल दूंगा, ये हम ऊपर से डालते हैं आखिर में, और थोड़ा सा जब सर्व करते हैं जब हम इसकी प्लेट बनाएंगे तो उस वक्त हम उसमें डालेंगे। तो ये बस अब हमारा जो है वो चिकन चिली बिल्कुल रेडी है। इसको अब मैं ढक्कन लगा के चूल्हा बंद कर दूंगा और इसको हम डिश आउट करेंगे और फिर आपको दिखाएंगे। आप इसको ज़रूर बनाइए, ये बड़ा मज़े का होता है, इसको ज़रूर ट्राई कीजिए। तो आप इसको जब हम डिश आउट करते हैं तो फिर आपको दिखाते हैं। तो ये हमारा जो है वो चिकन चिली विद राइस रेडी है। तो हमने इसको डिश आउट कर दिया है आपको दिखाने के लिए, ये हमने इसको अलग प्लेट में निकाला है। तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिए, ये बहुत अच्छा फ्लेवर होता है इसका और अच्छा भी है, और रमज़ानों में भी बना सकते हैं, रमज़ान के बाद भी जब आपको दिल करे आप इसको बनाइए खाइए। और चिकन चिली बना के आप फ्रिज में भी रख सकते हैं, फिर इसको फ्रिज में रख दें और जब चावल खाली बॉईल करें और उसके साथ खा सकते हैं, क्योंकि नॉर्मली वैसे ये राइस प्लेन राइस के साथ ज़्यादा अच्छा लगता है, लेकिन अगर आपको फ्राइड राइस के साथ भी पसंद है तो आप वो भी खा सकते हैं। तो ये हमारी थी आज की रेसिपी, बहुत जल्द एक नई रेसिपी के साथ दोबारा आएंगे। अपना अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।